हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल लाइफलाइन में। तो दोस्तों, अगर आपके कोई इलेक्ट्रिक की शॉप है या फिर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आपने हेवल्स प्रोडक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, आपको हेवल्स के वायर, फैन या फिर एमसीबी पर कूपन स्कीम देखने को मिलेगी, यानी कि आपको उसके ऊपर एक स्क्रेच कूपन देखने को मिलेगा जिसको स्कैन करके आप पॉइंट अर्न कर सकते हो और उस पॉइंट को या तो आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर पॉइंट्स ले पूरा करके हेवल्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हेवल्स संपर्क और ई प्लस में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम हेवल्स संपर्क और ई प्लस स्कीम के बारे में डिटेल से जानेंगे और दोस्तों आप संपर्क ऐप्स को कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आपको हेवल्स ई प्लस करके एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप एक रिटेलर है तो आपको यहाँ से हेवल्स संपर्क करके एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो मैंने हेवल्स संपर्क के एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आप हेवल्स ई प्लस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जहाँ पर लॉगिन की बात आती है तो दोस्तों आप स्वयं से इस एप्लीकेशन में रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है और आप अगर हेवल्स ई प्लस स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट किसी भी शॉप पर सबमिट करवा सकते हो और आप उनको बोल सकते हो कि जब भी कोई हेवल्स का एम्प्लॉय आए या फिर सेल्समैन आए तो आप उनके जरिए जो है हेवल्स ई प्लस स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हो। या फिर दोस्तों, अगर आप एक रिटेलर हो और आप हेवल्स संपर्क स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट हेवल्स के कोई भी एम्प्लॉय या फिर सेल्समैन को देकर इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर करवा रखा है, तो मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ पासवर्ड डाल के। और दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह हम पॉइंट को एक्युमुलेट कर सकते हैं और किस तरह जो है पॉइंट को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सारे प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद मैं यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे स्कीम को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर मैं स्कीम पे क्लिक करके जो है संपर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों, संपर्क पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मेरा पॉइंट देख सकते हो कि 0-0 है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट को जो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रिडेम्पशन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने पॉइंट जो बैंक में ट्रांसफ़र किया। आप देख सकते हो कि जनवरी को मैंने 25 पॉइंट जो है बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए है, फरवरी को 316, तो यहाँ पर मैंने अक्टूबर को जो 84 लास्ट जो पॉइंट जो है बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे जो पॉइंट है मैंने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए है। तो दोस्तों, किस तरह आप एमसीबी वायर या फिर फैन पर जो स्क्रेच कार्ड देखने को मिलता है उसको आप किस तरह जो कूपन को स्कैन करके पॉइंट को अर्न कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने हेवल्स संपर्क के एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्युमुलेट का। तो दोस्तों, आपको एक्युमुलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 12 डिजिट का एक न्यूमेरिक पिन डालना होता है। तो आप जब भी किसी भी हेवल्स के प्रोडक्ट यानी कि वायर, एमसीबी या फिर किसी प्रकार के फैन के ऊपर एक जो कूपन देखने को मिलेगा उसको आप स्क्रैच करते हो तो वहाँ पर आपको 12 डिजिट का न्यूमेरिक पिन देखने को मिलेगा, उसको आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। जैसे मैं यहाँ पर एक जो पिन सबमिट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 12 डिजिट का एक पिन डाल दिया, इसको मैं यहाँ से जैसे सबमिट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है इस पिन को मैंने पहले स्कैन किया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि टोटल पिन स्कैन जो एक है, तो यह पर देख सकते हो कि मैंने इस पिन को जो ऑलरेडी स्कैन किया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह आप यहाँ पर 12 डिजिट का पिन डाल के भी आप जो है पॉइंट को स्कैन कर सकते हो। या फिर दोस्तों, आपको स्कैन पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कैमरे को ओपन कर देना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जैसे ही स्कैन पिन पर क्लिक करोगे तो आपका कैमरा जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है हेवल्स रियो का जो एमसीबी आता है उसका एक बॉक्स है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है एक स्क्रेच कार्ड देखने को मिलेगा हेवल्स संपर्क करके। तो यहाँ पर आपको 12 डिजिट का नंबर देखने को मिलता है, या फिर दोस्तों आपको जो यहाँ पर बार कोड देखने को मिलता है, अगर आप इसको स्क्रेच करके भी स्कैन करके पॉइंट को अर्न करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप पॉइंट अर्न करना चाहते हो तो यहाँ पर जो बार कोड है इसको आपको अच्छे से जो है स्क्रेच कर देना, इसके बाद स्कैन करके भी आप इससे पॉइंट अर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जैसे स्क्रेच कर देता हूँ अच्छे से इसको, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे से स्केच कर दिया, इसके बाद मैं इसको यहाँ से स्कैन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर स्कैन होगा, मैं आपको बैक चल के बता देता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो 12 डिजिट का न्यूमेरिक पिन आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से जैसे सबमिट करोगे तो आप देख सकते हो, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको जो ऑलरेडी स्कैन किया हुआ, तो यहाँ पर अभी मुझे कोई भी पॉइंट अर्न नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह आप वायर, एमसीबी या फिर फैन पर जो भी कूपन देखने को मिलता है उसको स्केच करके यहाँ से पॉइंट अर्न कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, जो भी पॉइंट आप
अर्न करते हो वो आपको टोटल बैलेंस में यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब भी अगर आपको बैंक में फोन को ट्रांसफ़र करना तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर बैंक डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको एड बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, इसके बाद 11 डिजिट का आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना है, बैंक नेम डालना और बैंक एड्रेस डाल के यहाँ पर आपका जो बैंक में नेम है वो आपको नेम एज पर बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन में डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने चेक की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है और यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल जो है सबमिट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप जो भी पॉइंट अर्न करते हो उसको आप आसानी से बैंक में ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है डैशबोर्ड का, तो दोस्तों आप डैशबोर्ड में जाके यहाँ पर हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि आप जितने भी पॉइंट एक्यूमुलेट करते हो वो आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप एक्यूमुलेशन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जितने पॉइंट अर्न किए वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो भी पॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो आप यहाँ पर रिडेम्पशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर रिडेम्पशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैंने जनवरी में 25 पॉइंट और फरवरी में 316 पॉइंट जो बैंक में ट्रांसफ़र किए, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पर अर्न करके जो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए सक्सेसफुली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको संपर्क सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों आपने हेवल्स के जितने भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं और उसको स्कैन किए तो उसके हिसाब से जो भी वैल्यू बन रही है आप यहां पर देख सकते हो कि जनवरी में मैंने टोटल जितने पॉइंट स्कैन किए थे उसके हिसाब से प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू थी वो यहां पर शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, तो दोस्तों अगर आप एक रिटेलर है और आप अपने शॉप पर हेवल्स का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑर्डर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से जो है हेवल्स का कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवीज़न को सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर आपके हेवल्स के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उन सभी का डिवीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं हेवल्स कैपेसिटर करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं यहाँ पर हेवल्स कैपेसिटर करके सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे जो है हेवल्स के कैपेसिटर की लिस्ट मिल जाएगी, तो आप यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट करके मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं 5 पीस सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे मुझे अमाउंट शो हो जाएगा, तो मैं यहाँ से एड प्रोडक्ट टू कार्ट करके ऑर्डर लगा सकते हो। तो दोस्तों आप अगर एक रिटेलर तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए हेवल्स का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिडम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जो भी पॉइंट अर्न करते हो उसको अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको रिडम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके जितने भी पॉइंट है उसको आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना और यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है हेवल संपर्क पर उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और आपके जितने भी पॉइंट आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप बैंक रिडम कर सकते हो हेवल्स पॉइंट को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़र प्रोफाइल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों आपने अपनी जो डिटेल सबमिट कर रखी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हेवल्स संपर्क एप्लीकेशन में वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्कीम डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर समय समय पर जो स्कीम रनिंग होती है जिसके जरिए आप पॉइंट्स ले पूरा करके हेवल्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो या फिर हेवल्स की तरफ से जो भी गिफ्ट है उसको जीत सकते हो। तो यहाँ पर एक स्कीम जो रनिंग है मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 500 पॉइंट का स्लैब पूरा करते हो तो आप हेवल्स का स्टीम आयरन जो है वो यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप 1,10,000 का स्कीम पूरा कर लेते हो तो आप यहाँ से रॉयल इनफील्ड बाइक जीत सकते हो। तो दोस्तों समय समय पर यहाँ पर नए नए स्कीम चलते रहते हैं जिसके जरिए आप बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों आप जो भी पॉइंट अर्न करते हो सबसे पहले आपको बैंक डिटेल ऐड करनी होती है, तभी आप उन सभी पॉइंट को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप बैंक अकाउंट ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो हेवल्स के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उन सभी की अगर आप प्राइस लिस्ट देखना चाहते हो तो आप प्राइस लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्राइस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप जितने भी पॉइंट अर्न करते हो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करोगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी, तो आप यहाँ से 6 मंथ तक की हिस्ट्री देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने
जो जो पॉइंट अर्न किए और जो पॉइंट बैंक में ट्रांसफर किए वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मुझे। तो यहाँ पर आप सारी रिडेम्पशन हिस्ट्री चेक कर सकते हो और आपने जो भी पॉइंट अर्न किया वो भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस का भी ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की हेवल्स प्रोडक्ट के रिलेटेड शिकायत है तो आप यहाँ से अपनी शिकायत को भी सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कस्टमर सर्विस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर डालकर जो है यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। या फिर आप कस्टमर केयर में कॉल भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको हेवल्स के सारे भी जितने भी फैक्ट्रीज या फिर जो भी वीडियो है प्रोडक्ट के वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हेवल्स की डिजिटल कैटलॉग भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप हेवल्स संपर्क और ई प्लस स्कीम दोनों यूज़ करते हो तो दोस्तों अगर आप हेवल्स संपर्क से डायरेक्ट ई प्लस स्कीम में स्विच करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट स्कीम पे क्लिक करोगे इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ई प्लस स्कीम में डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ से सेलेक्ट स्कीम में जाके अपने अकाउंट को स्विच भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह आप हेवल्स संपर्क एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, साथ ही दोस्तों किस तरह आप जो है पॉइंट को एक्युमुलेट करके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।